है कि तो बताओ हम लोग किस राह से चले जाए। मुनिनाथ इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? बात यह है कि 3 दिन की राह निर्विघ्न है, परंतु 3 पहर की राह अत्यंत भयानक है। राह 3 पहर की विघ्नों से भरी है, रहती है तारका जो विख्यात मिश्री है। चुन चुन के भक्त जन को खाना है काम उसका, डरती नहीं किसी से, सत्य से वह भरी है। डरते हैं हम भी उससे, बढ़ने से पाँव रुकते, क्या जाने क्यों हमारी तबीयत भी अब डरी है। छोटे कुंवर है संग में सुकुमार और सुकोमल, हो जाए कष्ट पैदा क्या जाने किस घड़ी में। बस इसीलिए आप इतना डर रहे हैं और इतना सोच विचार कर रहे हैं। आप निर्भय होकर 3 पहर की रात गईये और सुखपूर्वक आश्रम में पहुंचकर संध्या वंदना करिए। हे पुत्र, इस दुष्टा से सारा संसार डरता है और मेरा भी कलेजा धक धक करता है, परंतु तुम अबोध बालक हो, इससे इतना साहस करते हो। मुनिनाथ, आप हमारे लिए इतनी चिंता क्यों करते हैं? हम लोग ऐसे साधारण जीवों का भय कब करते हैं? हम बालक क्षत्रिय के हैं, नवर का नाम लेते हैं, कई का वीरों कोई मुनिसंघ नाम लेते हैं। अच्छा पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर सावधान होकर चलना, ना जाने वह किधर से आ जाए। लहू जनियों
क्या मुनि बालक समझ रखा है, जो खाने को धाती है अभी मुंह मालूम हो जाएगा किसके सम्मुख आती है। यही संहारकार राज कुमार तुम्हें हम साथ निभाए, चार हजार बारन कोवल झारन खेत पहाड़ उड़ाए, मारे अकारण पित्र कुमारन लीन है पारन को यह खाए, जो बच जाए खलाई नहीं फिर मेरी तिहाई टकराए। जान पर नीच छमी पुर